Hello friends, in today's bite I want to discuss the difference between parliamentary form of government and presidential form of government. In parliamentary form of government, executive power ek body mein vest hoti hai jo parliament ke hi members hote hain. For example, India ki agar hum baat kare to hamare desh mein council of minister jo hai wo parliament se hi parliament ke members se milke काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं. लेकिन जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग होती है, लेजिस्लेटिव बॉडी अलग होती है. एग्जीक्यूटिव बॉडी का लेजिस्लेटिव का मेंबर होना मैंडेटरी नहीं होता है. इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इज कंसिडर्ड टू बी द हेड ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन स्टेट हेड ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है एंड एग्जीक्यूटिव हेड भी प्रेसिडेंट होता है. लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी होता है. प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव हेड यानी कि कार्यपालिका का प्रमुख तो बोला जाता है, बट द पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉमिनल, यानी कि प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड होता है, उसमें नाम मात्र की शक्तियाँ निहित होती हैं, लेकिन एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो प्रोविजंस आपको कोट करूँगा, प्रोविजन यानी आर्टिकल 52 एंड आर्टिकल 74. आर्टिकल 52 बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति में वेस्ट होंगी. तो कहने का मतलब यह है कि सारे फंक्शन राष्ट्रपति के नाम पे, सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं. लेकिन 74 ये क्लियर करता है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी. और 42nd अमेंडमेंट में आर्टिकल 74 में अमेंडमेंट करके ये मेंशन किया गया कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डेंस में काम करेगा, यानी कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस एंड कंसल्टेशन गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. लेकिन 44th अमेंडमेंट में एक प्रोविजो ऐड कर दिया गया आर्टिकल 74 में, जहां पर ये लिखा गया कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की किसी एडवाइस को, कंसल्टेशन को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं. तो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ की कुछ फीचर्स हैं. नंबर वन, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है एंड प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है. और प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड माना जाता है, प्राइमस इंटर फेरेस बोला जाता है, ठीक है, और बेस्ट अमंग द इक्वल भी बोला जाता है, समानों के बीच में सबसे ऊपर होता है. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व करने का राइट वैसे तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन पर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व करता है. और प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती है वो नॉमिनल पोजीशन होती है, एक हेड के तौर पर एक्चुअल पोजीशन प्राइम मिनिस्टर की होती है. इसके जस्ट अपोजिट आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाएंगे, जैसे अमेरिका हुआ, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट की अपनी किचन कैबिनेट होती है और जो उसके एग्जीक्यूटिव में होते हैं, किचन कैबिनेट में होते हैं, जरूरी नहीं होता है कि वो वहाँ की जो लेजिस्लेचर है उसके मेंबर्स हों. लेकिन आप इंडिया में बात करोगे तो यहाँ पर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल होने के लिए लेजिस्लेचर का, यदि आप सेंट्रल लेवल पे हैं तो पार्लियामेंट का मेंबर होना मैंडेटरी है, और अगर आप स्टेट लेवल पर हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना मैंडेटरी है. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस आज हमने देख लिए. थैंक यू वेरी मच.